सो है गाइस, तो आज हम लोग बताएंगे टॉप 6 अपकमिंग 125 सीसी बाइक इन इंडिया। तो आज हम लोग बताएंगे जो इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर टॉप 6 बाइक एंट्री करने जा रहा है, तो कौन सा बाइक यहाँ पे एंट्री करेगा, और भी हम लोग बताएंगे और साथ में बताएंगे ये बाइक के अंदर क्या कुछ फीचर्स, प्राइस, माइलेज, टॉप स्पीड देख सकते हो, सारे कुछ कवर करेंगे आज के वीडियो के अंदर। सो गाइस, अभी तक वीडियो के अंदर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल के अंदर नया हो तो ऑब्वियसली चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बताएंगे होंडा CB125R। सो गाइस, ये जो बाइक का जो क्वालिटी है ना भाई, ऑन क्वालिटी के साथ देखने मिलेगा। सबसे पहले बताएंगे बाइक का लुकिंग को लेके, लुकिंग गाइस ये ऑन लुकिंग के साथ देखने मिलेगा। उसके बाद बताएंगे बाइक का सस्पेंशन को लेके, सामने पे यूटी सस्पेंशन और रियर पे मोनोशॉक देख सकते हो, साथ में डुअल चैनल एबीएस। एंड माइलेज को लेके बताएंगे तो 40 से 45 केएमपीएल तक देख सकते हो, अगर राइडर अच्छा होगा तो 50 केएमपीएल तक भी देखने मिलेगा, राइडर सही होना चाहिए। बाइक का मीटर कैपेसिटी को लेके बताएंगे तो यहां पे कंपनी यूज किया डिजिटल एलसीडी टीएफटी कलरफुल मीटर, मतलब बाइक का जो मीटर का जो क्वालिटी है ना बहुत बढ़िया क्वालिटी के साथ देखने मिलेगा। तो सारे लोग बताओ होंडा CB125R आपको कैसा लगा, ओ वीआर कमेंट करके बता देना। बाइक का प्राइस को लेके बताएंगे तो यहाँ पे 1.7 लाख ऑन रोड प्राइस इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर। नंबर 2 को लेके बताएंगे तो यहाँ पे 2024 KTM Duke 125। फाइनली हमारा इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर KTM Duke 250 एंड KTM Duke 390 लॉन्च हो चुका है, बट अभी तक गाइस यहाँ पे KTM Duke 125 लॉन्च नहीं हुआ, जो 2024 मॉडल जेन 3 वर्जन का मैंने बात कर रहा हूँ। तो फाइनली ये बाइक भी 3 से 4 महीने के अंदर इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। Duke 250 एंड Duke 390 ऑलरेडी अवेलेबल है, सिर्फ यहाँ पे 125 आना बाकी है। तो आप सारे लोग कमेंट करके बताओ ये जो 2024 KTM Duke 125 का लुकिंग आप लोगों को कैसा लग रहा है, वो भी यार कमेंट करके बता देना। और साथ में आप लोग बता दो बाइक का लुकिंग कैसा लग रहा है, बाइक का फीचर्स को लेकर बताएंगे। सामने आप यूटी सस्पेंशन, मतलब साइड डाउन सस्पेंशन देख सकते हो, और रियर पे मोनोशॉक देखने मिलेगा, और बाइक का जो क्वालिटी है ना बहुत बढ़िया अच्छा क्वालिटी के साथ देखने मिलेगा। और ये बाइक एक 125 सीसी बाइक होने के बाद भी ये बाइक के अंदर कंपनी यूज किया डुअल चैनल एबीएस, मतलब एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम, और ब्रेकिंग सिस्टम का जो क्वालिटी है ना बहुत बढ़िया क्वालिटी के साथ देखने मिलेगा। तो अभी हम लोग बताएंगे बाइक का टॉप स्पीड कितना हो सकता है। तो बाकी जितना सारे 125 सीसी है, सारे बाइक से भी ज्यादा टॉप स्पीड देख सकते हो 2024 KTM Duke 125 के अंदर, क्योंकि ये बाइक का जो टॉप स्पीड है गाइस 122-123 भी जा सकता है अगर राइडर सही है। तो बाइक का प्राइस को लेके बताएंगे तो अंडर 2 लाख के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, 2 लाख प्लस बोल सकते हो, क्योंकि बाइक के अंदर जो फीचर्स एंड क्वालिटी है ना बहुत बढ़िया देख सकते हो। नंबर 3 को लेके बताएंगे तो यामा की तरफ से और एक न्यू बाइक लॉन्च होने जा रहा है, यामा MT125। तो ये जो बाइक है ना अपकमिंग बाइक है, ऑब्वियसली गाइस इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर लॉन्च होना चाहिए। बहुत सारा बाइनर ये बाइक के लिए वेट कर रहा हो, कौन कौन यामा MT125 के लिए वेट कर रहा हो वो यार गाइस कमेंट करके बता देना। सच बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा एक बाइक है। ये बाइक का भी फीचर्स को लेके बताएंगे तो ये बाइक का जो फीचर्स है ना बहुत बढ़िया फीचर्स देख सकते हो। सबसे पहले बताएंगे बाइक का इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स को लेकर, यहाँ पे डिजिटल एलसीडी टीएफटी कलरफुल मीटर, एलईडी हेडलाइट प्रोजेक्टर लैंप, साइड इंडिकेटर भी एलईडी, और पीछे का टेल लाइट भी एलईडी, मतलब सारे जो इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स है ना भाई ऑन क्वालिटी के साथ देखने मिलेगा। अभी हम लोग बताएंगे बाइक का सस्पेंशन को लेकर, सामने पे यूटी सस्पेंशन, मतलब अपसाइड डाउन सस्पेंशन देख सकते हो, और रियर पे मोनोशॉक देखने मिलेगा, और बाइक का जो लुकिंग है ना एकदम ऑन लुकिंग के साथ देखने मिलेगा। तो आप सारे लोग यार कमेंट करके बता देना बाइक का लुकिंग आप लोगों को कैसा लग रहा है। नंबर 4 को लेके बताएंगे तो ये बजाज पल्सर N125। तो ये जो बाइक है ना रिसेंटली गाइस बजाज ने अपडेट कर दिया, हम लोग हमारा जो N125 लॉन्च करने जा रहा हो इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर, और ये जो बाइक है ना 3 से 4 महीने के अंदर इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर आ सकता है, क्योंकि बजाज ने ऑफिशियली यहाँ पे अपडेट कर दिया N125 को लॉन्च करेगा इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर। सो गाइस, आप सारे लोग यार कमेंट करके बता दो कौन कौन N125 के लिए वेट कर रहे हो, और ये जो बाइक है ना बहुत ही खतरनाक तरीके से लुक देख सकते हो, और इसका जो पिकअप है ना बहुत ही खतरनाक तरीके से देखने मिलेगा। बाइक का ब्रेकिंग कंट्रोल को लेकर बताएंगे तो यहाँ पे कंपनी यूज किया सिंगल चैनल एबीएस के साथ देखने मिलेगा, मतलब बाइक का जो क्वालिटी है ना बहुत बढ़िया क्वालिटी। और बाइक का लॉन्च डेट को लेकर बताएंगे तो 3 से 4 महीने के अंदर इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर आ सकता है, क्योंकि अगर लॉन्च होगा तो सबसे पहले इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर ही लॉन्च करेगा, क्योंकि हमारा इंडियन कार ब्रांड है और इंडिया के अंदर ही सबसे पहले लॉन्च करेगा ये बाइक। नंबर 5 को लेकर बताएंगे तो बजाज का और एक न्यू बाइक लॉन्च होने जा रहा है, जिसका नाम है बजाज पल्सर RS125। और ये जो बाइक का लॉन्च डेट कोई भी फिक्स नहीं है, बट इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर कमिंग सून आ भी सकता है, बट इसका जो लॉन्च डेट है ना ये गाइस कोई कंफर्म लॉन्च डेट नहीं है। आज हम लोग बताएंगे जो RS125 के अंदर क्या कुछ फीचर्स देख सकते हो। सो गाइस, ये बाइक के अंदर कंपनी यूज किया सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और रियर पे मोनोशॉक देख सकते हो, और बाइक का जो पूरा लुकिंग है ना एकदम बजाज पल्सर RS200 की तरह लुकिंग देख सकते हो। और इस बार जो 2024 के अंदर RS200 के अंदर न्यू जो अपडेट आ रहा है वो बहुत जल्दी आ जाएगा, और वो जो बाइक है ना ये भी सस्पेंशन के साथ देखने मिलेगा। और ये जो RS125 का गाइस अभी तक कोई लॉन्च डेट फिक्स नहीं है, बट बहुत जल्दी अगर कोई भी फिक्स डेट आ जाएगा तो सबसे पहले हमारा चैनल के अंदर वीडियो आ जाएगा। नंबर 6 को लेके बताएंगे तो यहाँ पे यामा RX125। सो गाइस, ये जो बाइक है ना बाहर का कंट्री के अंदर लॉन्च हुआ, बट अभी इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर ये जो बाइक है ना लॉन्च नहीं हुआ, बट बाहर गाइस यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, बट इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर
भी लॉन्च हो जाएगा यामा RX 125। यानी ये जो बाइक है ना बहुत ही खतरनाक तरीके से पिकअप देख सकते हो, बट बाहर के अंदर जो लॉन्च हुआ ना उसका जो पिकअप है ना बहुत ही खतरनाक तरीके से देखने को मिलेगा। बट इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर कब तक लॉन्च करेगा यामा RX 125? बट ये जो लॉन्च डेट है ना अपकमिंग मॉडल है, अभी तक कोई फिक्स नहीं है। अगर कोई भी फिक्स डेट आ जाएगा तो सबसे पहले हमारा चैनल के अंदर आ जाएगा वीडियो। तो आज का वीडियो थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट हुआ तो वीडियो के अंदर एक लाइक करो, चैनल के अंदर नया हो तो ऑब्वियसली चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सो गाइस चलिए आज का वीडियो इतना ही, एंड टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।